अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मुसलसल हमने 2011 केस को रिपोर्ट किया और उम्मीद है मामलात हल होने की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह हल होंगे। जिस तरह मैंने एक पहले वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया है कि 2011 कराची मुंतकिल किया जाएगा और कल खासतौर पर 2011 की जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, खसूसी मेडिकल बोर्ड, वो उम्र का तयन करेगा। उसके बाद फिर कानून के मुताबिक जो फैसला होगा वो किया जाएगा। अब जो भी दुरुस्त होगा, यानी कि अगर 2011 की उम्र 16-17 साल है, 18 साल है, 14 साल है, उसके हिसाब से ही अब मुस्तकबिल का उसका फैसला होगा कि वो कहाँ जाएगी। उसके बाद फिर सारी हम कोशिश करें चीज़ों को आगे बढ़कर रिपोर्ट करें। लेकिन एक और चीज़ है, जिस तरह हमने एक दो दिन पहले मैंने वीडियो आपके सामने रखी जिसमें उम्मे हानी, जिसकी उम्र 11 साल है और उसके बाद फिर उसको बहला फुसला कर उसको 18 साल का जाहिर करने के बाद शादी कर ली गई, तमाम दस्तावेजात जो है मैंने दिखाई थी। एक बार फिर वो सारी दस्तावेजात भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, कि कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि उम्मे हानी की उम्र से पहले कितने जो है वो बच्चे हैं और उसके बाद फिर उनके जो वालिदैन हैं उनकी शादी कब हुई, वो सारी तफसीलात। लेकिन जो नासिर साहब हैं उनमें हानि के वालिद, वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हमने कोशिश की आप सबके तवस्सुल से, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर रद्दमल दिया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों तक जहाँ जहाँ हम आवाज़ पहुँचाना चाहते थे वो आवाज़ पहुँची और उसके बाद अब उनकी सुनवाई होना शुरू हो गई है, उम्मीद है उनको इंसाफ भी मिलेगा। तो आज उनकी जो नासिर साहब हैं, यानी कि उम्मे हानि की जो दादी हैं, उनकी वीडियो उनके वालिद नासिर साहब की और उसके बाद पूरे ख़ानदान की एक वीडियो क्लिप मुझे मौसूल हुआ है जिसमें वो मुख्तलिफ जो हुक्मरान हैं उनसे और उसके बाद फिर जो उनके साथ बीत रही है सारी सूरत हाल जो है वो बयान करें। तो मैं चाहता हूँ पहले वो सुने नासिर साहब, उनकी वालदा साहिबा और उसके बाद घर की सूरत हाल देखें कि वो किस तरह एक गरीब और एक लाचार खानदान है जिनकी पुलिस ने, मकामी पुलिस ने जो है उनकी सुनवाई नहीं की, उसके बाद फिर कहीं जिस जिस फोरम पर गए उनकी सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद फिर अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा टाइम ही होगा जब मैं हाई कोर्ट में मौजूद था और जब इनका केस टेकअप हुआ और मैं उसको मुसलसल फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा। मैंने अपने जो दोस्त हैं हैदराबाद में मौजूद सहाफ़ी, मैंने उनको भी कह दिया है और वो भी इंशाल्लाह मुसलसल रबते में पहले भी थे जब मैंने वहाँ इनकी खबरें हाईलाइट हुई थी। उसके बाद मैंने खसूसी तौर पर आज जो मेरे दोस्त हैं 24 TV में होते हैं हमजा भाई, उनको भी बोल दिया है और मज़ीद भी इस मामले में जो चीज़ होगी वो फॉलो करेंगे। मैं चाहता हूँ पहले वो वीडियो देखें जो उनके घर की सूरत हाल है और वो क्या कुछ फरमा रहे हैं और उसके बाद फिर कुछ और ऑडियो जो है वो मेरे पास मैसेजेस हैं वो भी आप तक पहुंचाता हूं कि बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है और उसके बाद फिर फर्दर इनके साथ क्या तरीकाकार होगा, इनकी बेटी इनको कैसे वापस मिलेगी, उसकी सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। उम्मा हानी की दादी लगती हूँ और बिलाल भुट्टो से मैं बोलती हूँ कि मेरी पोती को आज़ाद करना चाहती हूँ और मेरी पोती पता नहीं क्या हाल में है और मेरी पोती पता नहीं किस हाल में है, एक महीना हो गया मेरी पोती को तो कैसे जालिम लेकर चले गए वो नहीं है। और छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र है, बच्ची की उम्र भी नहीं है, छोटी सी उम्र है बच्ची की नहीं है, हाँ उम्र के पीछे तो नहीं है, बच्ची को बोला भी नहीं है, हाँ एक महीना हो गया मुझे रोता हुआ मेरी पोती को नहीं आजाद करो तुम नहीं है। बेटा आमना, आप उमा की क्या लगती हैं? आप क्या कर चाहती हैं? मैं फिलहाल उनको से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि उन जालिमों से मेरी बहन को आज़ाद कराया जाए और जज साहब से और फौज से और शेला रजा वाली से दरख्वास्त करते हैं कि मेरी बहन को उन जालिमों से आज़ाद कराया जाए। आप क्या लगती हैं उम्मे हानी की? दादी लगती हूँ। आप भी यही दरख्वास्त करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं बिलावल भुट्टो सारी से? बिलावल भुट्टो से मेरी पोती को आज़ाद करना चाहती हूँ। आप क्या लगती हैं उम्मे हानी की? की छोटी बहन हूँ। आप क्या चाहती हैं बेटा? मैं चाहती हूँ बिलावल भुट्टो से और जज साहब से कि उन जालिमों से मेरी बहन को आज़ाद करवाएं। मैं मोहम्मद नासिर अराई, मेरे मीडिया के दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी सिफारिश के लिए या मेरी सोर्स के लिए कोई भी शख्स नहीं है अल्लाह के सिवा, मुझ गरीब एक ठेला चलाने वाले का कोई आमिर और नासिर नहीं है अल्लाह के सिवा। आप लोग जो है अल्लाह की रज़ा के लिए और एक इंसानियत के नाते किसी गरीब की बच्ची की मदद करने के लिए अगर आप मीडिया पर चलाएंगे तो अल्लाह पाक अजर देगा और दुनिया का कोई भी आदमी आपको अजर नहीं देगा। मैं क्लिक आपके लिए भेज रहा हूँ, मेरे मीडिया वाले भाइयों के लिए जिन्होंने मेरी बात आगे तक पहुँचाई और अब वो इस बात से पीछे हट रहे हैं। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों, मगर मेरा अल्लाह पाक आपको बहुत अजर देगा अगर मेरी गरीब की आवाज़
इस वक्त के हुक्मरानों तक पहुंचाओगे, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। तो जनाब, आपने पूरे ख़ानदान की सारी रुएदाद सुनी। मैंने जिस तरह आज भी मेरी बात हुई हमजा जैदी भाई हैं 24 टीवी में हैदराबाद में, तो उनसे मैंने गुजारिश की, उन्होंने ख़ुद भी कहा कि वो पहले से रबते में, जब ये मामला कराची से हाईलाइट हुआ था उसके बाद, फिर इनके रबते में आने के बाद उन्होंने टीवी पर जो खबर थी वो भी नशर की थी। और उसके बाद फिर अब जो नासिर साहब ने जो सबसे जो अब तक जो है मेरे रबते में थे और जो जो कुछ बता रहे थे, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ कम्युनिकेशन हुई है, मुझे उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि मैं इसको डिस्प्ले करूँ या इसको पब्लिक करूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक होनी चाहिए। आप सबको और जो जो लोग ये वीडियोस देखते हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए बुनियादी तौर पर, ये खामी होती कहाँ है, इंसाफ इंसाफ जो है लोगों को कहाँ नहीं मिलता, यानी कि फसाद की जड़ या एक कहते हैं कि जुल्म और ज्यादती होती कहाँ है। अगर किसी मजलूम के साथ कहीं किसी ना किसी सूरत जब ज्यादती हो रही होती है, तो उसके बाद फिर हमारे जो मुतलका इदारे हैं वो जब नाइंसाफ़ी शुरू कर देते हैं और मुल्ज़मान को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद लोगों के साथ होता क्या है, वो सारी आप उनकी जो वॉइस है, उनके जो वॉइस नोट है वो आप सुनेंगे और आपको सारा अंदाज़ा होगा। और उसके बाद फिर उम्मीद है कि ये चीज़ और सुनने के बाद, ये सब चीज़ें सुनने के बाद, फिर अब हुकूमत अगर कहीं पुलिस या कोई इदारा अगर कोई गफलत और लापरवाही कर भी रहा है, तो अब मज़ीद मजबूती के साथ एक आवाम का दर्द महसूस करते हुए वो इनकी जो है वो बात को आगे सुनेंगे, फैलाएंगे और इनके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर वो इनकी रहनमाई भी करेंगे और इनकी मदद भी करेंगे और इनको इंसाफ भी दिलाएंगे। तो मैं चाहता हूँ नासिर साहब ने जो सुबह से लेकर अब तक जो भी बात हुई वो सारी आप खुद सुनें। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमें वुमेन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस में बुलाया है और आज केस हमारा फाइल होगा, तो इसलिए हमें वहाँ बुलाया है, इसलिए मैं आपको यहाँ से बुला दिया। 10:30 सुबह बुलाया है, हम लोग यहाँ से 10 बजे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद हुसैन भाई, आप खैरियत से? ठीक है। मैं अभी वहाँ पर ही ऑफिस में गया हुआ था, वुमेन डिपार्टमेंट के ऑफिस में, वहाँ पर मेरे आफ्ताब खुर्शद साहब के वकील निकले हैं, से बात हुई है, उन्होंने वकील भेजा था और जो है वो जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो है वकालतनामा वगैरह जो है उन्होंने साइन वाइन करवाए और वो जो है इंशाल्लाह कल सुबह जो है वो कॉल फाइल हो जाएगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा मेरा मीडिया भाई हैं, आपने मेरे साथ जो किया है अल्लाह आपको बहुत अजर देगा, आप मेरा और साथ देंगे अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। आप एक बच्ची की नहीं समझे, पूरे दीन इस्लाम के बच्चों के मुसलमानों की बच्चियों की हिफाजत के लिए आप मेरा साथ दें, आपको अल्लाह बहुत अजर देगा। थोड़ा सा मीडिया पर कुछ थोड़ा सा और मेरे थोड़ा सा करेंगे तो आप उनका बहुत बड़ा एहसान होगा, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि अभी रक्से में जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ, तो इंशाल्लाह मैं आपको बनाकर अपनी वाइफ के साथ बाकायदगी से एक घर की फैमिली के साथ बनाकर मैं आपके पास मैं इंशाल्लाह भेजता हूँ। आपने जो थाने के बारे में मालूमात की है कि अगर थाने वाले ही अगर मेरे साथ सच्चे होते तो 21 तारीख को बच्ची गई थी और 24 को बच्ची को निकाह नामा पेश हुआ था, उन्होंने लोग ही अगर वो सच्चे होते मेरे साथ तो मेरी बच्ची निकाह से पहले ही मेरे पास आ जाती, उन्हीं लोगों ने तो रिलीफ दिया है और अभी भी वो लोग जो है उनके साथ मिले हुए हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर उनसे जो रबते में आएंगे तो वो हम तक नहीं रसाई करने देंगे। नहीं, अगर आपका कोई रिपोर्टर है, अगर कोई रबते में आना चाहता है तो मैं उसको बिल्कुल मिलूंगा, हो सकता है कि मैं कल सुबह जो है हाई कोर्ट यहाँ के हैदराबाद कोर्ट में पेश होकर वकील के साथ जो आफ्ताब खुर्शद साहब है उनके के वकील है वो जो मुझे आज सुबह बुलाया था उन्होंने, और जो है ना उन्होंने मुझसे मेरी बात हुई है उनसे, और जो है ना वो लोग जो है मुझे कहा है कि सुबह इंशाल्लाह जो है ना वो मेरी जो है वहाँ पर कोर्ट में केस दाखिल करेंगे और उस वक्त कह रहे हैं कि वो मेरी बात हुई है वहाँ पर वुमेन डिप्लोमेट ऑफिस के अंदर, तो उनसे बाजी से मेरी बात हुई है, रेशमा बाजी होती है वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो है ना मैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कल जब हम ये सूरत हाल थी। कुछ और भी मैं क्लिप्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी शायद कहीं आगे जाके आपको सुनाऊँ कि वो किस तरह जो है वो हमारे जो इदारे हैं उनकी रुएदाद बता रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये आवाज़ वाकई एक दो लोगों की नहीं है, एक दो घरानों की नहीं है, ये एक दो मजलूम ख़ानदानों की नहीं है, ये जो पाकिस्तान की आवाम है, हर तबके की आवाम है, हर मसलक और हर जो मकाते बेफिक्र से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम है, ये उनके साथ उनकी बेटियों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है जिनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ये हमारा फोरम है और हम चाहते हैं कि लोगों को जो है वो आगे पता चले
कि किस तरह जुल्म ज्यादती हो रही है और उसके बाद फिर उसकी रोकथाम किस तरह करनी है, ये सारी तफसीलात जो है वो सामने आनी चाहिए और उसके बाद फिर रोकथाम यकीनी भी बनाई जानी चाहिए। अब फर्दर जो भी चीज़ें होंगी मैं कोशिश करूँगा सारी वो आपके सामने रखता रहूँ ताकि इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ मिले और हम जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब का हमने साथ दिया है ये कराची में होते तो यकीनन मैं उसी तरह जुड़ जाता जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब के साथ जुड़ा हुआ था। मैं अब चूँकि ये हैदराबाद में दूर भी हैं और मेरी यहाँ ड्यूटी होती है बड़ी मुश्किल होती है, वरना मैं उनके साथ भी उसी तरह लग जाता, लेकिन अभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा इंशाल्लाह और जिस जिस तरह हो सकता है इनको हर लिहाज से सपोर्ट करूंगा और उम्मीद है कि इनको इंसाफ भी ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ें सामने लाने का मकसद भी यही है, बार बार आपसे कह रहा हूं कि लोग आगाह रहें, लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे शहरों में हमारे साथ जो हमारे इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं और मज़लूम आवाम को उनको इंसाफ लेने के लिए किस तरह मारे मारे फिरना पड़ता है।